तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Xiaomi Mi A3 डिवाइस में फरवरी 2022 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इस अपडेट का कंफर्म डेट क्या है। एंड गाइज इसी के साथ में हम बात करेंगे कि गाइज ये अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ न्यू फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइज ये अपडेट का आप लोगों को फाइल साइज कितना देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइज अगर आप भी हैं Xiaomi Mi A3 डिवाइस के यूजर्स तो गाइज आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज मे बी आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं कि Xiaomi Mi A3 डिवाइस में फरवरी 2022 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इस अपडेट का कन्फर्म डेट क्या है। तो गाइस ये तो खैर वीडियो में आगे बात करेंगे। गाइज इससे पहले हम बात करते हैं कि फरवरी 2022 के न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट में आप लोगों को क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइज आप लोगों को मालूम होगा कि Xiaomi Mi A3 डिवाइस में ना यहाँ पे मंथली सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलता है। तो गाइज उस अपडेट में आप लोगों को ना कुछ ज्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड गाइज आप लोगों को मालूम होगा कि जब अपडेट एक नॉर्मल सा देखने के लिए मिलता है ना, तो वो गाइज अपडेट सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट होता है। इट मीन्स यार उस अपडेट के थ्रू आपके डिवाइस में जो छोटे मोटे बग होते हैं उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपके फोन के स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया जाता है। इसी के साथ में गाइस आपके डिवाइस को सिक्योरिटी पैच को और भी ज्यादा इन्हेंस कर दिया जाता है। तो गाइस यही कुछ चेंजेस है जो कि एक नॉर्मल से सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट में देखने के लिए मिलता है, जिसको अपडेट करने के बाद गाइस आपके डिवाइस का जो परफॉर्मेंस है ना वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। तो गाइस ये जो अपडेट देखने के लिए मिलता है वो गाइस काफ़ी बेटा अपडेट देखने के लिए मिलता है। एंड गाइस ये अपडेट में कोई भी मेजर बग एंड इशू भी नहीं होता है, क्योंकि गाइस ये एक नॉर्मल सा अपडेट होता है, ये सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स का अपडेट होता है। तो गाइस इसी वजह से यहाँ पे इसमें कोई भी मेजर बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। तो गाइस अगर बात करें गाइस इस अपडेट के फाइल साइज के बारे में, तो गाइस ये अपडेट का फाइल साइज ना आप लोगों को अंडर 100 MB का ही देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि Xiaomi Mi A3 डिवाइस में ना जब सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलता है तो गाइस उस अपडेट का फाइल साइज बहुत ही छोटा देखने के लिए मिलता है। तो गाइस इसी वजह से इस बार का भी आप लोगों को फाइल साइज ज्यादा लंबा देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि Xiaomi Mi A3 डिवाइस में फरवरी 2022 का न्यू अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, इसका कॉन्फर्म डेट क्या है। तो गाइस आप लोगों को बता दें कि सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट जो देखने के लिए मिलता है ना गाइस, उस अपडेट का कोई भी कॉन्फर्म डेट नहीं होता है गाइस। लेकिन जिस महीना का अपडेट देखने के लिए मिल रहा है गाइस, उस महीना में अपडेट देखने के लिए मिल जाता है गाइस। यहाँ पे ज़्यादातर चांस होता है कि गाइस आप लोगों को ना Xiaomi Mi A3 डिवाइस में फरवरी 2022 का सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट ना मिड फरवरी तक देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस इसी वजह से आप अलर्ट रहना, सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते रहना, क्योंकि गाइस आप लोगों को मालूम होगा कि अपडेट कई सारे बैचेस में देखने के लिए मिलता है। एंड गाइस अपडेट उसमें से भी अप्रॉक्स 1 आवर के लिए देखने के लिए मिलता है। सो गाइस इसी वजह से अलर्ट रहना। वैसे गाइस आप अलर्ट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गाइस Xiaomi Mi A3 डिवाइस में फरवरी 2022 का न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट जब भी मिलना स्टार्ट होगा तो गाइस आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। तो गाइस फिलहाल में अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो गाइस नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड गाइस ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।